बढ़ते आगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ बजरंग दल पर बैन का मुद्दा छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त बजरंग दल पर बैन का मुद्दा राजनीति का विषय बना हुआ है, राजनीति के केंद्र में यह बना हुआ है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर बजरंग दल को लेकर कांग्रेस को चुनौती दी है और कांग्रेस सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में अगर दम है तो बजरंग दल को बैन करके दिखाए। उधर पूर्व मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल उकसाने की बात कर रहे हैं, जहां बैन करने की जरूरत है वहां बैन कर रहे हैं। बजरंग बली और बजरंग दल दोनों अलग अलग हैं। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये वादा किया था और उनको भी मालूम है कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ी संख्या है जो संख्या बजरंगबली को मानती है, जो संख्या हिंदू मेथोडोलॉजी को मानती है, और अगर बजरंग दल को बैन करते हैं तो आने वाले समय पर जो शांत कर्नाटक है उस कर्नाटक को अशांति करने का अगर कोई निर्णय करेंगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी और उसको उसको भुगतना पड़ेगा। चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रभाव देखते हैं क्या इसका? छत्तीसगढ़ में तो मैंने भूपेश बघेल जी को कहा है कि आप में दम है तो बैन करके बताओ, चुनाव में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। देखिए, बजरंग बली अलग है और बजरंग दल अलग है, और ये इनके अनुसांगिक संगठन है जो हिंदू परिषद के। बैन करने की जरूरत जहाँ होगी वहाँ वो कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। तो हमको न धमकी देने की बात है न चुनौती देने की बात है, तो जबरदस्ती उकसाने वाली बात क्यों कर रहे हैं बहुत।